नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? मेरे नन्हे नन्हे छोटे बच्चे, यूकेजी क्लास में आज लेने वाली हूँ। अच्छा, पिछले पार्ट में हमने प्रीवियस लेसन में क्या देखा था बच्चों, याद में है? हाँ, हम लोग पहले स्वर देखा था और उसके बाद में उस अक्षर के शब्दों को देखा था प्रीवियस लेसन में, याद में है ना? आपको मैंने चित्र दिखाकर उसे बोल कर दिया था ना। हाँ, आज मैं आपको नए पार्ट में स्वर और जो पिक्चर्स दिखा के और दूसरा नए शब्द सिखाने वाली हूँ। अच्छा बच्चों, हमने प्रीवियस लेसन में क्या देखा था? पहला आके स्वर देखा था। स्वर में क्या क्या देखा था? कितने लेटर्स थे? 13। 13 हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में 13 लेटर्स। हाँ, क्या क्या बोल कर दिया था? अ आ ई ई उ ऊ कृ ये आई वो आओ अम आह। हाँ, उसके बाद में अब ये चित्र को देखो, मैंने प्रीवियस लेसन में आपको ये दिखाया था ना, कृ से कृषभ, ये से येक, कृ से कृषभ, कृषभ किसे बोलते हैं? ऑक्स, बुल को बोला जाता है। ये से येक, ये कितना है? 1। आई से ऐश्वर्य, ऐश्वर्य किसे बोलते हैं? पैसे को बोला जाता है। पैसे के बगैर जिंदगी सूना है, सूना इज ए एम्प्टी। ओ से होंट, होंट किसके पास है? आपके सुंदर सुंदर होंठे होते हैं ना बच्चों के, हाँ, यूकेजी के छोटे बच्चे के होंठे, कितने अच्छा लिप्स ब्यूटीफुल होता है ना, रेड कलर पिंक कलर में रहता आपका होंठ। ओ से होंट। औ से औरत, औरत कौन है? वुमेन, आपकी माँ भी एक औरत है। हाँ, हम से अंडा, हम से क्या है? अंडा, अंडा का मतलब क्या है? एग, आप लोग हर दिन एक एक खाओ क्योंकि एक प्रोटीन है। आह आह अक्षर है और शब्द कुछ नहीं। अच्छा बच्चों, आज नए पार्ट में पहले आपको स्वर को मैं याद दिलाऊंगी। स्वर वोवल्स है, इसमें कितने अक्षर है? 13। कितने लेटर्स बोले जाते हैं? 13 लेटर्स। पहला वाला अ आ ई ई उ ऊ कृ ये आई वो आओ अम आ है। अच्छा बच्चों, अब ये चित्र को देखो, मैं आ अ से आपको एक नया शब्द लेकर आई हूँ, वो क्या है बताओ? अ से अदालत, अदालत का मतलब क्या है? कोर्ट। हाँ, कोर्ट में कौन कौन रहते हैं बच्चों? कोर्ट में जज रहते हैं, वकील रहते हैं, हाँ, अंग्रेजी में इन्हें लॉयर बोला जाता है ना बच्चों? जज क्या करते हैं? जो दो वकीलों की, हाँ, लॉयर्स की कॉन्वर्जेशन सुनकर, हाँ, जो पनिशमेंट के लिए थीफ करते हैं उनकी सज़ा दी जाती है। कौन देते वो सज़ा को? हमारे जज ने। सो आ से अदालत, ये नया शब्द है, मैंने आपको अ में और एक नया शब्द सिखाया, आ से अदालत, इसे अंग्रेजी में कोर्ट। अच्छा बच्चों, ये नया वाला दूसरा चित्र देखो। हाँ, दूसरा लेटर आ है, आ से आँखू, आँखू क्या है? माउस। हाँ, हमारे घर में सब माउस रैट है ना बच्चों? हाँ है बच्चों, सब घर में रैट क्या करता है? चुरा चुरा के जो खाना रखते हैं, कुछ भी खाने के लिए स्नैक्स रखते हैं, उसको सब खा लेता रैट। बहुत बुरा है ये रैट। और रैट का आकार, आकार इज अ शेप, कैसा होता है? हाँ, छोटे छोटे कान होते हैं, है ना? रैट के लिए छोटे कान होते हैं, यस, छोटे आँख होते हैं, हाँ, आइज, उसके मूछ भी होते हैं, मूछ इज ए मुस्टैक, हाँ, उसके पैर कैसे होते हैं? बहुत छोटे हैं, लेकिन नेल्स कैसे हैं? बहुत शार्प है। और उसका टेल कितना लंबा होता है? बहुत बड़ा और काला दिखता है माउस। रैट किसी को भी पसंद नहीं होता क्योंकि वो घर में चुरा के खाता है, इसलिए रैट
को किसी को पसंद नहीं होता है और उसका टेल बहुत लंबा होता है। सो हर घर में रैट है। रैट को हमने सीधे भी देखा हो बच्चों, तुम लोग भी रैट को देखा है ना बच्चों? हाँ, आ से आंखू, इसे हिंदी में आंखू और एक नाम है, चूहा भी बोलते हैं। हाँ बच्चों, अब देखो ई में और एक नया शब्द मैं आपको सिखा रही हूँ, ई से इंद्रधनुष। हाँ, इंद्रधनुष आपने देखा होगा ना, कब आएगा इंद्रधनुष? जब वर्षा के वक्त में इंद्रधनुष आएगा, है ना बच्चों? हाँ, वर्षा में बहुत बारिश होती है, ठंडे दिनों में इंद्रधनुष कितना रंग लेकर आता है? 7 रंग, यानी 7 कलर्स। हाँ, क्या क्या कलर्स है वो? हाँ, आप लोग 7 कलर्स को जानते हो ना, नारंगी, बैंगनी, उदा, नीला, हाँ और एक नीला रंग, आसमान का एक नीला रंग होता है और एक डार्क रंग नीला, बहुत डार्क से होता है। हाँ, इस प्रकार 7 रंग, लाल, पीला, हरा, इस प्रकार 7 रंग हमारे इंद्रधनुष में आता है, ई से इंद्रधनुष। अच्छा बच्चों, आप देखो लास्ट लेटर ई है। हाँ, आप ये 4 नए लेटर्स में आपको नया लेटर नहीं है, पुराना लेटर्स है, इसमें आपको मैंने नए शब्द में बोला है, ई से ईस्टर, जो ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के लिए ये मनाया जाता है ना बच्चों? हाँ, ईस्टर में छोटे छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे यानी बलून्स सब चर्च में बांधकर, सब मंदिर में जाके, चर्च में जाके वो लोग प्रेयर करते हैं बच्चों, ई से ईस्टर। आ से क्या बोला था आपको याद में है ना शब्द? हाँ, आ आ ई ई, ये 4 लेटर के मैंने आपको नए शब्द बनाया है। आ से अदालत, आ से आंखू, ई से इंद्रधनुष, ई से ईस्टर। अच्छा बच्चों, अब मौखिक के रूप में मैं आपको पक्षियों के नाम बोलने वाली हूँ। हाँ, पहला पक्षी है मोर, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, नेशनल बर्ड। हाँ, हम मोर को देखा होगा, कहाँ देखा होगा? चित्रों में या सिनेमा में देखा होगा, सीधे में तो बहुत ज़्यादा नहीं है ना बच्चों, आप छोटे बच्चे। हाँ, अगर जू रहेगा तो हम लोग जू में जाके देखेंगे तो पीका को देखेंगे। अच्छा, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड। हमारा मर्द यानी मेल पीकॉक क्या करता है? बादल को देखकर, बारिश आने से बादल को देखकर खुशी से, हाँ, वो नाचने लग जाता है। उसके पंख कैसे होते हैं? बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन फीमेल पीकॉक के लिए इतना बड़ा पंख नहीं है। पहला वाला मोर पीकॉक, और दूसरा वाला मुर्गी है। मुर्गी क्या है? हेन है। मुर्गी क्या देता है? अंडे देता है। हाँ, अंडे से बच्चों के लिए प्रोटीन मिलता है। सो हर दिन बच्चे तुम लोग अंडे खाओ, रोज़ एक अंडे खाने से बच्चे लोग स्ट्रांग बनते हैं। तीसरा वाला क्या है? हाँ, कबूतर। कबूतर उस ज़माने से आज तक सब लोग उसकी उपयोग कर रहे हैं। कबूतर अंग्रेजी में डव बोला जाता है। ये उस ज़माने के राजा लोग युद्ध के लिए, हाँ, प्यार करने के लिए उसके पैरों में मैसेज को यानी पेपर में चिट्ठी लेटर को बांधकर दूसरे देश को भेजते हैं, और युद्ध का संदेश कबूतर ही लेकर जाता है उस ज़माने में। आज भी कबूतर घर में पाला जाता है ना बच्चों? कबूतर के लिए डव है। उसके बाद देखो बदक। बदक क्या है? डक। डक कहाँ चलता है? पानी में चलता है और ज़मीन पे भी चल के जाता है ना। पानी में डक क्या करता है? तैरता है, स्विम करता है, और ज़मीन में पैदल चलता है। इसका अंडा बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी सेहत के लिए अच्छा है। उसके बाद क्या है? तोता। हाँ, तोता तो सब लोग जानते हैं। तोते का रंग हरा होता है, वो एक अच्छा पैरेट के नाम से पुकारे जाते हैं अंग्रेजी में, है ना। उसका मुंह कैसा होता है? लाल रंग का होता है, और पैरेट मनुष्य जैसा बोलता है। तोता कैसा बोलता है? मनुष्य जैसा, जो तुम बोलते हो वैसे ही तोता बोलता है। तोता बहुत अच्छा पक्षी भी है, सुंदर पक्षी भी है।
और लास्ट वन है कौवा। कौवा तो हर रोड स्ट्रीट में हम सब जगह कौवे को देखते हैं। कौवा काला होता है, लेकिन कौवे का एक स्पेशलिटी है, कोयल के बच्चे को कौवा ही पालता है। यह आप लोगों ने नहीं जानता, आपके मम्मी से पूछो कि वो आपको बताएगी, है ना बच्चों। कोयल के बच्चे को हमारा कौवा पालता, वो एक टैलेंट का कौवा है। हमारा कौवा टैलेंट है, सचमुच है। आप देखो, मैं पक्षियों के नाम और एक बार बोलती हूँ। पहला वाला मोर, दूसरा वाला मुर्गी, तीसरा वाला कबूतर, चौथा वाला बदक, पांचवा वाला तोता, छठवा वाला क्या है, कौवा। आज बच्चों आपका पाठ ख़त्म हो गया। यूकेजी के बच्चों, जो मैंने पढ़ा है उसे बार बार याद दिलाओ, और असाइनमेंट में आप लोगों को हर वक्त गृह कार्य में होमवर्क आता है, उसे अच्छी तरह करो। धन्यवाद।